आखिरी वक्त क्या कहा था उसने? उसे होश नहीं था और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ घर पहुंचने पर। यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें कैसे पता चला? हॉस्पिटल से फोन आया था। अफसोस तो हुआ होगा, दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। तो शर्म नहीं आती? जो मर गया उसके लिए तुम क्या समझोगे वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जो मेरी क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। चोट आज तुम मुझे देने के बाद तुम इस तरह सोचते हो? कुछ गलत है इसमें? नहीं, लेकिन जिम्मेदारी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, मगर ऐसे में सच्चाई हमेशा पूरी नहीं होती। यानी देखो, जो कुछ मैंने किया अपनी खुशी के लिए किया, और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बनी? उसकी परवाह मैं क्यों करूं? अकेला मैं ही तो जवाब दे नहीं हूं उसके लिए। अगर जवाब देना ही है तो अगर वो भी इसमें हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो किस तरह? कब से था यह सिलसिला? 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात? मेरे ऑफिस का कोई रेनोवेशन का काम होना था तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखाई थी। फाइनल पेमेंट के 1 हफ्ते बाद ही एकाएक मुलाकात हो गई थी।
होगा। हाँ चर्च गेट पर फिर हमने कॉफी पी बामोली में, कोना कॉफी चीज सैंडविच के साथ। इसके लिए कहा किसने था? हाँ डन 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 कॉफी डन डन। चलो तो 12 बजे सिटी मॉल। ओके 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 बाय। हेलो हेलो हेलो। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग मूवी कॉर्नर सीट्स पे बैठ के देखें क्या? ओके 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 बाय बाय। चलो डन मिलते हैं फिर। ठीक है ओके बाय सी यू देयर। पहली मर्तबा उसका हाथ वहीं थामा था। उसने एक बार भी हटाया नहीं। लोग बैठते कहां थे? बंगोली मर्चेंट डेयरी लियोपोल्ड। पहली बार उसे चूमा कहां था? और पहली बार कहां उसे? मत पूछो। बैरेज नहीं जाते थे, सनसेट पॉइंट नहीं जाते थे, लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना नहीं जाते थे, रॉन्डेवू नहीं जाते थे, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके पहले का तजुर्बा झूठा हो जाएगा। पता है अमित, मैं उन नमों में कभी जस्ट हो ही नहीं पाया। हमेशा हमेशा ये चुभन रहती थी कि कल रात तुमने उसे छुआ है, आज रात फिर तुम उसे। मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं थी। जब वो मेरे पास होती थी तो मुझे लगता था बस इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं, सारा सुख सारा सुकून बस यही तो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत थे वो लम्हे, वो पूरा एहसास ही गुमराह था। और मैंने यही इल्जाम लगाया है उस पर कि मेरे साथ वो सिर्फ अपनी शादी की उकताहट दूर कर रही है। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद जब वो सर नीचा करके अपनी उंगलियों से रुमाल का वो कोना लपेटती खोलती थी और अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती थी तो तुमने पहचान ली थी उसकी ये खासियत।
दरअसल जिस चीज़ ने मुझे पहली बार उसकी ओर खींचा था वो उसकी यही नज़र थी। एक गार्डन पार्टी में दोस्त के यहाँ जब पहली बार उसे देखा। और उसकी हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में भी पहचान सकता था। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया था, मतलब सस्ते ढंग से। यह होता तो कभी शादी की बात होती क्या? उसने क्या कहा? मुझे सोचने की मोहलत दो थोड़ी। तीन बार वक्त भी दिया उसने। कभी कोई फैसला नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में वो अभी वहां तक नहीं पहुंची है जहां वो, क्योंकि तुम्हें लेकर वो अब भी अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती है। कम से कम तुम्हें चोट देने की ताप जुटा पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि बीते दिनों के खाते शायद तुम मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं भिखारी नहीं हूं। कल से मैं बराबर यही सोच रहा हूं कि मान लो वो डिग्री या कोई और भी चीज मुझे नहीं मिलती तो मैं यही समझता कि जब वो पास थी तो सब ठीक था। तो क्या गलत हो जाता है इसमें? अब इत्मीनान का वो एहसास धुंधला क्यों हो गया? उन शुरुआत के दिनों से भी अब शर्मिंदगी से होने लगी है जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। सुकून की चमक भी इस तरह झूठी लग रही है जैसे छूंगा तो उंगलियों में उतर आएगी। छुट्टी ली है? अब तक 2 दिन की पर और बढ़ा दी। क्यों? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि काम में डूब कर? मैंने भी छुट्टी ली थी 2 दिन की, लेकिन अकेलापन दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि यादों के दबाव से दिमाग की नसें फटने लगती हैं। अमन, नींद कैसी होती है? कुछ दिनों के लिए किसी नई जगह जाने से शायद निकल रहा हूं आज शाम को ही। और तुम? मैं? तुमने क्या सोचा है? शादी करूंगा जल्दी। जब